हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिडनी के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे ईजीएस्ट ऑफ ऑल जो मोड्स हैं उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये है या तो आप ओला, ऊबर या डीडी, ये तीन सर्विसेज में से देख सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बट प्रैक्टिकली सबसे एक्सपेंसिव। एंड एज ऑफ द डेट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सिडनी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना अभी भी मैंडेटरी है बिकॉज ऑफ कोविड, बट बाकी जगह पर मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, अब लीगली रिक्वायर्ड नहीं है। सो आई एम गोना टेक इट ऑफ और आप मेरा चेहरा इस वीडियो में पहली बार देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आप अपना फ़ोन या टैप करें, दरवाज़ा खुल जाए। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम आज कवर कर रहे हैं वो है सिडनी की ट्रेन्स। ये आप लोग स्टेशन देख सकते हैं यहाँ पे, और डबल डेकर ट्रेन्स यहाँ पे चलती हैं, काफ़ी स्पेशियस होती हैं, कोई इशू नहीं है। ये मेरी एक ट्रेन तो निकल गई ना, ओपल कार्ड, उसको आप सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ट्रेन्स, बसेस, फेरीज, लाइट रेल। तो आज देखता हूँ कितने कवर हो जाते हैं इनमें से। एट द मोमेंट ये स्क्रीन्स यहाँ पे लगी हुई हैं, यू कैन टेल कि कितना टाइम है ट्रेन के आने में। और कुछ ऐसा हमारा स्टेशन है, चिड़िया स्क्रीन पे ना बैठे, उसके लिए इतना बड़ा इन्होंने वो स्पाइक्स लगाए हुए हैं ऊपर। तो कुछ ऐसी लगती हैं यहाँ की ट्रेन्स, आगे से देखने में बहुत नॉर्मल सी लग रही है बट अगर साइड से आप देखें तो ये है एक डबल डेकर ट्रेन। सबसे बड़े स्टेशन्स में से एक सेंट्रल, यहाँ से आपको सिर्फ सिडनी के अंदर की ही नहीं बट इंटरसिटी, इंटरस्टेट ट्रेन्स भी मिल जाती हैं, एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस बसेस एज वेल जस्ट आउटसाइड द स्टेशन। ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सिडनी हार्बर और वो आपको दिख रहा है ओपरा हाउस, और ये है सिडनी का हार्बर ब्रिज। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं चलती हुई, ये है सिडनी की फेरी सर्विस, एक के पीछे एक चल रही है। ये वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो सर्कुलर की का टर्मिनल है,
वहाँ से ये चलती हैं फेरीज और जगह जगह ड्रॉप कर देती हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस. सिडनी के सीबीडी एरिया में और यहाँ पर है एक बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग. ये लाइट रेल का स्टेशन है इन द मिडल ऑफ द रोड और ये लाइट रेल आ गई है. इसमें भी आपका मोबाइल फ़ोन वाला पेज चल जाएगा. यहाँ पे लाइट रेल के अपने बेनिफिट्स हैं. ये आपको रोड के बीच में या साइड पे इसका स्टेशन यूजुअली मिल जाता है. हेड ऑफ ब्रिज सिमिलर टू अ ट्रेन, बट अगर आप साइकिल करके आ रहे हैं और आपको साइकिल के साथ चढ़ना है लाइट रेल तो इट्स वेरी ईजी. देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस इन द मिडल, वहाँ पे आप अपनी साइकिल रख सकते हैं. ये कुछ जाते हो तो वहाँ पे आपका स्टेशन पे ही कार्ड टैप हो जाता है. बसेस के अंदर टैप के लिए अलग मशीन लगी होती है जो आप देख चुके होगे या देखोगे अभी, बट लाइट रेल के अंदर स्टॉप के ऊपर ही टैप वाला मशीन होता है, ट्रेन के अंदर नहीं होता है. तो डोंट फॉरगेट टू टैप जब आपका स्टॉप आने वाला हो तो दरवाजे के सामने देख लो किस साइड पे जो है आपको उतरना है. और सारे दरवाजे अगर ऑटोमेटिकली ना खोलें तो आप ये बटन दबा सकते हो दरवाज़ा खोलने के लिए. ऐसे आपने टैप ऑन या टैप ऑफ कर लेना है. जैसा कि आप देख सकते हो मशीन्स जो हैं वो स्टेशन पे लगी होती हैं. दे आर नॉट इन द एक्चुअल ट्रेन कार्स. एंड टैप ऑन टैप ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियरली मार्क्ड हैं ऐसे. और ये तीन टाइप के कार्ड्स, चार टाइप के कार्ड्स यहाँ एक्सेप्टेड हैं. जो टॉप पे है ओपल, वो बेसिकली आपका ये वाला कार्ड है. ये यहाँ की अथॉरिटी देती है. आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर, काफ़ी ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह से ले सकते हो, न्यूज़ स्टैंड से ले सकते हो और रिचार्ज भी करा सकते हो वहीं पर जाके या फिर ऑनलाइन. और बाकी अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड और वीज़ा. द मोस्ट कॉमन वन दैट यू यूज़ डिपेंडिंग ऑन एरियाज दैट यू आर इन. सिटी के अंदर तो आपको सारे मिल जाते हैं, बट कई बार अगर आप दूर रहते हैं तो आपको या तो ट्रेन, जो कि स्टेशन आपके घर से दूर भी हो सकता है, या फिर बस पे डिपेंड करना पड़ेगा. बस इज़ यूजली आर द क्लोजेस्ट पॉइंट टू पॉइंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो ये है सिडनी का एक बस स्टॉप मेरे पीछे. ये वाले चार्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बस स्टॉप्स पे लगे होते हैं. अगर तो आप गूगल मैप्स यूज़ करके देख रहे हो तो आपको वैसे ही ये वाले टाइमिंग्स सब उस पर पता चल जाते हैं. अपडेटेड होते हैं एज़ पर यू नो, आई वुडन्ट से द लास्ट मिनट, बट क्वाइट क्लोज टू द लास्ट मिनट. तो इसमें आपको कौन से डे पे आप देख रहे हो, उसका क्या टाइम पे आप देख रहे हो और कौन सा बस नंबर उसके हिसाब से आने वाला है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है. और ये नॉर्मली चार्ट्स अपडेट करके रखे जाते हैं. तो ये आपको बस स्टैंड पे, हर बस स्टैंड पे लगे हुए मिल जाएंगे नॉर्मली. और काफ़ी सारे बस स्टॉप्स पे सिडनी में एटलीस्ट ऐसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा स्टॉप का नाम.
और कुछ ऐसी होती है सिडनी की बसेस, सम विल बी लॉन्ग सम विल बी शॉर्ट। ये लंबी वाली बस है, बेंडी बस कहते हैं जिसे, इसमें भी आप अपने कार्ड को यूज़ करके चढ़ सकते हैं। अब जैसे जैसे कोविड वाली सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, बसेस में थोड़ी सी भीड़ बढ़ने लग गई है, तो जस्ट समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस। बाकी दे आर फेयरली कंफर्टेबल एंड द नेटवर्क ऑफ बसेस इज फार बेटर दैन आई वुड से द नेटवर्क ऑफ ट्रेन्स और लाइट रेल, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। कई बार ट्रेन, अगर आपको सिटी में आना है और आप दूर रहते हो, तो ट्रेन से बेटर ऑप्शन कोई नहीं होता नॉर्मली, अनलेस कि आप कुछ ऐसे एरियाज में हो जहाँ पे फेरी काफ़ी फ्रीक्वेंट हो, बट फेरी मैंने आपको जैसा बताया काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नो जब आप सिडनी में ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, इज़ दैट संडे इज़ द बेस्ट डे टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज चीप तो नहीं कहूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, बट इट्स चीपर दैन अल्टरनेटिव्स जैसे कि कैब लेना एंड ऑल ऑफ दैट। बट संडे को यू हैव अ टोटल चार्ज ऑफ, आई थिंक वो चार्ज आपको लगेगा, और आप जितना मर्जी ट्रैवल कर लो ऑल ओवर सिडनी, चाहे आप फेरी यूज़ करो। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए सिडनी में, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं, तो कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऐसे ऑप्शंस जैसे ट्रेन्स, इनके प्राइसेस डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ द डे वेरी करते हैं। सो टिपिकली मॉर्निंग और इवनिंग रश आवर के दौरान इट वुड बी मोर एक्सपेंसिव दैन एट अदर टाइम्स ऑफ द डे टू यूज़ द ट्रेन। आपका शेड्यूल कैसा है? इफ़ यू नीड टू गो टू वर्क देन इट मेक्स सेंस टू हैव अ ट्रेन और यू नो लाइट रेल टू रिलाय ऑन। ट्रेन्स आर द मोस्ट डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, बट इफ योर शेड्यूल इज स्लाइटली मोर ओपन, जैसे आप घूमने जा रहे हो या टूरिज्म के लिए यहाँ आए हो, तो बाकी सारे मोड्स भी काफ़ी सही हैं। बजट फ्रेंडली नॉर्मली सबसे ज़्यादा बस रहती है, और बट याद रखें कि ट्रैफिक वगैरह से सबसे ज़्यादा बस की इफेक्ट होती है। अगर लेट होना होगा ट्रैफिक की वजह से, तो इट बी द बस दैट विल बी डिसअपॉइंटिंग। बसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस स्टॉप पे जब होते हैं हाथ ज़रूर दे दें, रेज योर हैंड so that the driver sees you. You'll have to signal to the driver to stop. Unless you do that, they will not stop the bus. Unless usi stop pe kisi ko utarna bhi ho. To bus ke andar bhi aapko request karna hota hai driver ko, aur bus ke bahar bhi you have to put your hand out if you want them to stop whenever they're coming to the next stop. तो भाई कुछ ऐसा रहा आज का ये वीडियो अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सिडनी। मैंने इसमें कवर किया कैब राइड्स को थ्रू ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक ओला, ऊबर, डीडी, ये तीन सबसे पॉपुलर हैं यहाँ पे। इसके सिवा मैंने आपको दिखाया ट्रेन की जर्नी, बस की जर्नी, लाइट रेल की जर्नी और फेरी की जर्नी। इसके सिवा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो है जो यूजुअल कैब्स होती हैं, जिसको आप टैक्सीज और ये सब के तौर पर देख सकते हैं। वो भी कंपनीज हैं, उसमें रेडियो टैक्सीज भी हैं विच यू कैन कॉल एंड दे विल सेंड द कैब आउट टू यू, और यू कैन हेल दोज टैक्सीज ऑन द रोड बाय जस्ट पुटिंग योर हैंड आउट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड स्टे सब्सक्राइब्ड टू द चैनल। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, सिंस आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू डू दिस वेल। I would appreciate if you drop a line in the comments down below. आप ज़रूर अपने thoughts मेरे साथ share करें, आपको कैसा लग रहा है, क्या improve हो सकता है, and see you in the next one.